हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 12th के रिजल्ट आ चुके हैं और इस रिजल्ट से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे हैं वो नाखुश दिख रहे हैं। बहुत से बच्चों की कंपार्टमेंट आई है और बहुत से जो बच्चे हैं दोस्तों उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो इस वीडियो में दोस्तों रिजल्ट से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी डाउट को पूरी तरह से दोस्तों क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों विद्यार्थियों की ये है कि सर जो हमारा नंबर है वो बहुत ही कम आया है। जितना हमारे नंबर क्लास 10th में थे, क्लास 11th में थे, उससे कई कम जो है नंबर हमें क्लास 12th में मिले हैं। और बहुत से विद्यार्थियों ने ये भी मैसेज किया कि सर क्लास टीचर, स्कूल के टीचर और स्कूल्स ने जो है रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा धांधली की है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी की। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे खुद पर्सनली मैसेज किया है कि सर हमारे टीचर ने जानबूझकर हमें कम नंबर दिए हैं, जबकि हमारे से कमज़ोर बच्चों को उसको ज़्यादा नंबर दिया है। दोस्तों मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि सीबीएसई ने इससे पहले भी कहा था कि कुछ जो स्कूल्स हैं वो अपने बच्चों को जो है मनमाने तरीके से नंबर दे रहे हैं। और ये बात भी निकल कर सामने आई थी कि स्कूल के जो टीचर हैं वो बच्चों से पैसे लेकर भी नंबर दे रहे हैं। तो यदि दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है तो सीबीएसई को स्वयं दोस्तों संज्ञान लेना चाहिए कि जो स्कूल ने गड़बड़ी की है, यदि टीचर ने गड़बड़ी की है, अगर बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ है उनकी वजह से, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खराब बात है। क्योंकि दोस्तों रिजल्ट जो है क्लास 12th का वो पूरे 12 साल की मेहनत होती है। बच्चा 12 साल लगातार पढ़ने के बाद इस दिन के लिए तैयार होता है, बट इस बार एग्ज़ाम नहीं हुए तो दोस्तों एग्ज़ाम ना होने की वजह से उनका ये पूरा 12 साल खराब ना हो जाए, ये सीबीएसई को देखना चाहिए। ये क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है वो अपने नंबर से नाखुश है, तो मैं उन सभी को यही सलाह दूंगा, यदि आपको लगता है कि आप इससे अच्छा नंबर ला सकते हैं यदि एग्ज़ाम देकर, तो आप दोस्तों 100% एग्ज़ाम दीजिए। बट अगर आपको लगता नहीं है कि नहीं हमारे जो नंबर आए हैं अभी यही सही, इससे अच्छा आप नहीं ला पाएंगे, तो दोस्तों आप इसी से संतुष्ट कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। आपका जो एम है उसे गोल प्राप्त करने के लिए लगातार उसे फोकस कीजिए और लगातार लग जाइए अब, ठीक है। ये पहला सवाल दोस्तों हो गया। दूसरा सवाल दोस्तों बच्चों को बहुत डाउट्स हैं कि सर हमारे कंपार्टमेंट आया है तो हमारे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम कब होंगे। तो दोस्तों कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच। हालांकि इसको लेकर कोई डेट शीट नहीं आई, अभी डेट शीट जो है सीबीएसई के द्वारा जारी कर दी जाएगी जल्दी, सीबीएसई ने जैसा नोटिफिकेशन में कहा है। तीसरा सवाल दोस्तों जो है पैटर्न को लेकर, बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, यदि हम एग्ज़ाम दे रहे तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम को पैटर्न को लेकर सीबीएसई ने पिछले नोटिफिकेशन में कहा था कि जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले पैटर्न था, यानी सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते थे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप के होते थे, उसी पैटर्न के आधार पर आपका री एग्ज़ाम लिया जाएगा। चौथा सवाल दोस्तों सिलेबस को लेकर था कि सर सिलेबस कितना आएगा। तो दोस्तों जितना सिलेबस आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले था उतना ही सिलेबस आपका री एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी 30% कटौती के साथ, जितना पहले 30% कटा हुआ था उतना ही इस एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। बहुत से बच्चों के भी सवाल है कि सर इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये तो सबसे वाजिब सवाल है, क्योंकि पेपर देने में अगर हम बात करें तो 16 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, तो ऐसे में बच्चे दोस्तों तैयारी कैसे कर पाएंगे, इतने जल्दी तैयारी तो हो नहीं पाती सभी सब्जेक्ट्स की। तो सीबीएसई को थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए या बच्चों को बता देना चाहिए कि एग्ज़ाम कब से होंगे, डेट से तुरंत ही तैयारी कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं अगर जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि अभी उनको पता नहीं कि पेपर कब से होंगे कैसे होंगे। तो इसको लेकर दोस्तों सीबीएसई को एक अलग से नोटिफिकेशन या अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जल्द से जल्द जारी करना चाहिए बिना किसी लेट लतीफ़ के, क्योंकि सीबीएसई लगातार लेट ब्लेट करते रहे दोस्तों। इतना लेट होने के बावजूद भी रिजल्ट सही से तैयार नहीं किया गया, बहुत से बच्चे असंतुष्ट हैं, जबकि मोदी जी और सीबीएसई ने भी कहा था कि रिजल्ट तैयार किए जाएंगे बच्चों को ध्यान में रखकर, ऐसा रिजल्ट तैयार किया जाएगा जिससे जो है किसी बच्चे का जो है नंबर ना कटे या कोई बच्चा इससे असंतुष्ट ना हो। बट देखने में आ रहा है दोस्तों कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। इसके अलावा बच्चों का सवाल यह है कि सर यदि हम एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं, री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे। यदि दोस्तों किसी बच्चे का एक पेपर में इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है, उसका भी पेपर दोस्तों 16 अगस्त से होगा। कोई दो सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो वो दो में दे सकता है, उसका भी पेपर जो है 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगा, बट डेट शीट नहीं है। तो दो से ज़्यादा पेपर में दोस्तों आपको पूरा री एग्ज़ाम देना होगा, दो से ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं। खैर अगर सीबीएसई कुछ नया नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसके हिसाब से हो भी सकता है, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसको लेकर नहीं है। दो से ज़्यादा अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं
तो दोस्तों आपको पूरा पेपर देना होगा। बेटर ये होगा दोस्तों, अगर आप दो से ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप सारे पेपर का री एग्ज़ाम दें, जिससे आप अपने आप को आँक सकें और अपने आप को संतुष्ट कर सकें दोस्तों, क्योंकि संतुष्टि सबसे पहले होती है दोस्तों। आप भले अगर 90% लेकर बैठे हैं, अगर अपने नंबर से संतुष्ट नहीं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यदि आप देना चाहते हैं तो। सीबीएसई ने पहले भी कहा हुआ है, ठीक है। अब बात होती है दोस्तों, क्या हमने बात कर ली सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न, सिलेबस की बात कर ली, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों। आई होप मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी सवालों का जवाब आपको दे सकूँ इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों हमारी जो पहुंच है अभी बहुत कम छात्रों तक, क्योंकि हमारा चैनल बहुत नया है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो हम अपनी बात हर जगह पहुंचा सकेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी मतलब होता है भीड़ तंत्र, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है, जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट होता है उसी की बात मानी जाती है। आप खुद जानते हैं इस बात को, तो सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल का पॉलिटिकल मास्टर को। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी क्वारी दोस्तों आपके हैं, वो सारे डाउट्स आपके इस चैनल पर क्लियर किए जाएंगे। हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पर दोस्तों न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वीडियो भी लगातार डाली जा रही है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, यदि आप क्लास 10th 11th 12th में हैं तो। और दोस्तों कंपार्टमेंट, री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट से संबंधित जितने भी आपकी क्वेरीज दोस्तों है, उसको लेकर दोस्तों आज मैं अभी थोड़ी देर में सीबीएसई ऑफिस निकल रहा हूँ, और जो भी वहाँ से इंक्वायरीज मिलेगी दोस्तों, वो सारी इंक्वायरी टिकटों मैं आपको बताने वाला हूँ, आप वेट कीजिए। अगर मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों सभी बच्चों को जवाब दिया जाए, और बिल्कुल 100% सही जवाब दिया जाए, क्योंकि अगर किसी बच्चे के मन में दोस्तों डाउट्स रह जाता है तो वो डाउट्स बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। दोस्तों मैं अपनी तरफ से एक बात आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो अपने आप को दोष ना दे, क्योंकि दोस्तों जब आपने एग्ज़ाम दिया है नहीं तो आपका दोष कैसा, अगर एग्ज़ाम देते तब रिजल्ट खराब आता तो आपका दोष होता, क्योंकि एग्ज़ाम लिया नहीं गया है तो आपने एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो बस सीबीएसई और स्कूलों ने मिलकर रिजल्ट तैयार किया है, तो इसमें आपको कोई भी दोष नहीं है, आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना लें, कोई भी अपने आप को डिप्रेशन में ना डाले, और कोई ऐसी बात ना सोचे जो सोचना नहीं चाहिए, और कोई ऐसे काम ना करे जो करना नहीं चाहिए, सब ठीक होगा दोस्तों, बस थोड़ा सा वक्त लग सकता है, होप फॉर द बेस्ट। बस आज के लिए दोस्तों यही कहना चाहता था, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, हमारी पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।